हे फ्रेंड्स, मैं हूँ राइजन और आप देख रहे हैं राइजन वाईटी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे ज़बरदस्त लैपटॉप 30,000 के अंदर और 30,000 के हिसाब से बेस्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इंटेल और एएमडी दोनों ही वेरिएंट चुनेंगे 30,000 के अंदर बेस्ट जो है वो। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 लो बजट लैपटॉप्स अंडर 30K। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसकी जो प्राइसिंग है वो वेरी होते रहती है, कभी 2000 ज़्यादा हो जाती है, कभी 2000 कम हो जाती है। तो हम एक बेसिक अमाउंट 30,000 पकड़ के चलते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, हमारे लिस्ट में 5th नंबर पर जो लैपटॉप है वो है Asus Book 15, जिसका मॉडल नंबर है X505ZA EJ5090। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया है वो AMD Ryzen 5 2500, जिसकी क्लॉक स्पीड है 2 GHz और जो ओवरक्लॉक हो सकता है 3.6 GHz, और ये आता है 4 cores 8 threads के साथ में। अब बात की जाए इसकी मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में, तो 8GB रैम के साथ ही आता है, विच इज़ एक्सपेंडेबल अप टू 16GB तक हम इसकी रैम बढ़ा सकते हैं। और 1TB की SATA 5400 RPM 2.5 inch हार्ड डिस्क, और इसी के साथ एक एम्प्टी स्लॉट मिलता है हमको M.2 2280 SATA SSD एक्सपेंशन के लिए। अब बात की जाए ग्राफिक्स की, तो AMD इंटीग्रेटेड रेडियन वेगा ग्राफिक्स इसमें यूज़ किया गया है। इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो 15.6 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है हमें यहाँ पे, विथ 60Hz एंटी ग्लेयर पैनल के साथ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो आपको प्री लोडेड विंडोज 10 मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इसकी बैटरी की बात की जाए तो 3 cell लिथियम आयन बैटरी आपको यहाँ मिलती है, और फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, जैसे कि ये 60% बैटरी सिर्फ 49 मिनट्स में ही चार्ज कर देता है, और फुल चार्ज पर ये 4 से 5 घंटा आराम से चल जाता है। इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो ये 30,990 आपको फ़िलहाल मिलेगा। अगर आपको ऑनलाइन बाय करना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं 4th नंबर के लैपटॉप की, जो कि है HP 15 AMD Ryzen 3। इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया है वो है AMD Dual Core E2 9000E। इसकी बेस क्लॉक स्पीड की बात की जाए तो 1.5 GHz, और इसको हम ओवरक्लॉक कर सकते हैं 2 GHz तक। अब बात की जाए इसकी मेमोरी की, तो यहाँ 4GB DDR4 RAM आपको मिल जाती है, साथ ही में 1TB की हार्ड डिस्क मिलती है। इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो 15.6 इंच का आपको HD डिस्प्ले मिलता है, और विंडोज़ प्री इंस्टॉल्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। इसका वेट एंड बैटरी की बात की जाए तो इसका जो वेट है वो काफ़ी लो है, मतलब बहुत कम है, 1.77 kg का ही इसका वेट है। और यहाँ पे जो बैटरी हमें मिलती है वो लिथियम आयन बैटरी है विद 4 hours ऑफ बैटरी बैकअप। इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो ये 25,000 के आसपास आपको मिल जाता है। आपको एक और बात बता दूं कि ये एक बेसिक से भी बेसिक लैपटॉप है, जैसे कि आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, आपके ऑफिस वर्क के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए ये काफ़ी अच्छा है, और ये लाइट वेट होने की वजह से ये इजी टू कैरी कैटेगरी में आता है। नाउ कमिंग टू द 3rd लैपटॉप, जो कि है लेनोवो आइडिया पैड S145, जो आता है इंटेल कोर i3 10th generation के साथ, जो कि इंटेल का लेटेस्ट जनरेशन है। ये आता है 4GB रैम और 256GB SSD के साथ में। इसकी क्लॉक स्पीड 1.2 GHz है विद टर्बो बूस्ट अप टू 3.4 GHz, एंड जो ग्राफिक्स इसमें यूज़ किया गया है वो इंटेल इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक्स है। इसका डिस्प्ले साइज जो है वो 15.6 इंच है, जो कि आपको मिलता है फुल HD LED बैकलिट एंटी ग्लेयर TN डिस्प्ले के साथ में। इसमें भी सेम प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 10 64-bit लाइफ टाइम वारंटी के साथ में आपको देखने को मिलता है। बैटरी की बात की जाए तो 2 battery cell यूज़ किया है इसमें, लिथियम आयन बैटरी टाइप है, और एक फुल चार्ज होने पर आपको 6 hours का बैटरी बैकअप आराम से दे सकता है। इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो ये 30,000 से 33,000 के बीच में वेरी होता रहता है, बट अगर से आप इसको लोकल शॉप से परचेस करते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। ये काफ़ी फास्ट है बिकॉज SSD यूज़ किया है लैपटॉप में। ये काफ़ी थिन एंड लाइट टू कैरी लैपटॉप है बिकॉज इसका जो वेट है वो सिर्फ और सिर्फ 1.85 kg ही है। नाउ कमिंग टू द 2nd लैपटॉप ऑफ आर लिस्ट, विच इज़ Acer Aspire 3, जो आता है इंटेल कोर i3 10th generation के साथ में, जिसकी क्लॉक स्पीड है 1.2 GHz, एंड आफ्टर ओवरक्लॉक इट गोज टिल 3.4 GHz। इसकी रैम की बात की जाए तो 4GB विच इज़ एक्सपेंडेबल अप टू 12GB यहाँ पे देखने को मिलती है। ये 256GB SSD के साथ आता है। इसमें 15.6 इंच का फुल HD LED बैकलेट कॉम्फी व्यू TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें भी आपको सेम
प्री इंस्टॉल विंडोज मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इसमें 2 सेल लिथियम आयन बैटरी यूज़ की गई है। एक कंप्लीट चार्ज पे ये आपको 8.5 घंटे की बैटरी बैकअप आराम से दे सकता है। इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो ये 28,000 से 30,000 के बीच में वेरी करता रहता है। नाउ कमिंग टू द बेस्ट एंड द फर्स्ट लैपटॉप इन आवर बजट विच इज डेल वॉस्ट्रो 3490 जो आता है इंटेल कोर i3 10th जनरेशन के साथ में। इसकी बेस क्लॉक स्पीड है 2.1 GHz एंड विद टर्बो स्पीड इट गोज अप टू 4.1 GHz। इसकी रैम एंड स्टोरेज की बात की जाए तो ये आता है 4GB DDR रैम के साथ में विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB और ये आता है 1TB हार्ड डिस्क स्टोरेज के साथ में एंड SSD अपग्रेडेबल भी है। इसमें इंटेल इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक्स यूज है। इसमें भी आपको सेम विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलती है विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें 14 इंच का डिस्प्ले है। इसमें वेरिएंट भी है 15.6 इंच का भी डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है बट उसका थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा है। अब इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसकी जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी है और ये फुल चार्ज पे हमको 6 से 7 घंटे का एवरेज बैटरी बैकअप आराम से देता है। इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि एक फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसको कंपनी ने प्रोटेक्ट योर वर्क नाम से रिप्रेजेंट किया है। इसमें जो हार्डवेयर फीचर यूज़ किया गया है वो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल 2.0 विच इज़ अ हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी फीचर। इसके हेल्प से आप अपने फाइल्स को सिक्योर कर सकते हैं और ये सारे फाइल्स इंक्रिप्टेड होते हैं जब तक कि आप अपने फिंगरप्रिंट से इसको डिक्रिप्ट नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लैपटॉप चोरी हो जाता है अटैकर आपकी हार्ड डिस्क निकाल के उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है तभी भी ये फाइल्स डिक्रिप्ट नहीं होंगी बिकॉज जो TPM टेक्नोलॉजी है अलाउ नहीं करती है उस चीज़ को। और अगर से आप इसको बूट करते हैं और फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली आपको वहीं ले जाएगा जहाँ पर आपने वर्क छोड़ा था। सो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कुछ क्वेरीज अगर से आपको आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।